वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक के बाद हम दोबारा से आ चुके हैं और हमने आज जो है वो बड़ी मजे मजे की बातें की, मौसम का हाल जाना, इसके साथ साथ न्यूज स्टोरीज पे डिस्कशन चली जो कि खूब सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। शहर के हालात जो है वो सियासी गर्मा गर्मी की हवाले से बात की जाए तो काफी अरूज पर है। मौसम चूंकि ठंडा होता जा रहा है लेकिन सियासी जो दर्जा हरारत है सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ न्यूज स्टोरीज पे हमने डिस्कशन की और अभी ब्रेक से पहले हमने बड़ा मजे का टॉपिक उठाया, केक्स पर बात की किस तरह से। और वैसे भी हमारी एक रिवायत है कि मीठे के बगैर कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं होती, तो ऐसे में केक्स जो हैं उन्होंने मिठाइयों की जगह लेनी शुरू कर दी है और केक जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन में है, चाहे शादी की तकरीब हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, ब्राइडल शॉवर हो या फिर बेबी शॉवर हो, कुछ भी हो, मीठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तमाम हवालों से केक बनाने के लिए आजकल ख्वातीन हो, फैमिलीज हो, बच्चे हो, कोशिश होती है कि कोई भी ओकेजन हो लेकिन केक बहुत स्पेशल होना चाहिए। खैर अच्छी बात है क्योंकि स्पेशल ओकेजन पर चीज़ें भी स्पेशल होती हैं। खाने पीने का भी हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने ख्याल रखना है बदलते मौसमों में अपना। अब हम रुख करते हैं जी कुछ आपकी जानिब क्योंकि आप हमें ज्वाइन करते हैं फेसबुक पेज पर जो कि जागो लाहौर है। मैसेजेस करते हैं, अपने बच्चों की पिक्चर्स भेजते हैं और हमें बताते हैं कि आज आपके बच्चों की सालगिरह है। आज हमारे पास जो पिक्चर आई है बच्चे का नाम है जी अब्दुल्ला गजनफर। बड़ा क्यूट सा पारू सा बच्चा है ये और आज अब्दुल्ला की सालगिरह है। अब्दुल्ला 1 साल के हो गए हैं जी आज और नो डाउट के पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला को बहुत बहुत। और Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abdullah. Happy birthday, Abdullah. और अब्दुल्ला 1 साल के हो गए हैं, यकीनी तौर पर पेरेंट्स तो खुश होंगे ही लेकिन अब्दुल्ला के लिए हमारी दुआ है कि आपका ये जो नया शुरू होने वाला साल है ये बहुत अच्छा हो और आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और आप बड़े होकर अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं एक गेस्ट, महरामा इनका नाम है, सिंगर हैं, मॉडल हैं और इसके साथ साथ जो है वो एक्टिंग भी करती हैं, गाना भी गाती हैं। इतनी सारी जो आप में एक सलाहियतें हैं उन तमाम बातों में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महरामा क्या क्या करते हैं और खास बात क्या है? नंबर वन नाम थोड़ा सही कर लें, महरमा अली। महरमा अली हैं आप? अच्छा जी, महरमा अली हैं जी ये। अच्छा महरमा क्या क्या आप में खास बात है? सिंगिंग है, मॉडलिंग है या फिर एक्टिंग है? मुझे तो अपने सारे शोबे बहुत प्यारे लगते हैं। आई मीन बेसिकली आई एम एक्टर, एज ए चाइल्ड स्टार से कर रही हूँ काम और सिंगर आप ये कह सकते हैं, न्यू बॉर्न सिंगर हूँ। अभी नया नया शुरू किया है एज ए सिंगर कैरियर, मैंने तकरीबन 1 ईयर्स हो गया इसको और बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। और इसके अलावा मॉडलिंग एंड मूवीज़ और डिज़ाइनर भी हूँ, मेरी अपनी बुटीक भी है। अरे वाह, ये तो आप तो फिर इसका मतलब है ऑल इन वन है। या मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप में इतनी सलाहियत है और आप अपने आप को हर काम में मनवा सकते हैं तो आपको करना चाहिए। एक जगह मुझे रहना जो है ना, चीज़ पे फिक्स रहना बेहतर अच्छा नहीं लगता, इसलिए डिफरेंट शोबों में मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अल्लाह सुबहाना ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हर शोबे में कामयाबी मिली है। अच्छा कामयाबी मिली है। लोग क्या कहती हैं आप सबसे अच्छी सिंगर हैं, मॉडल हैं या एक्टर हैं? फीडबैक क्या मिलता है? अभी तक तो जितने भी मेरे फैंस हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो हर काम में ही मेरी तारीफ करते हैं। आई डोंट नो के सबसे बेहतर क्या है, आई थिंक सो मैं सबसे अच्छी एक्टर हूँ। आई मीन मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे एक्टर में ज़ेबा जी, नैयर सुल्ताना इज माई फेवरेट बहुत, और शमीमारा जी, उनके साथ मैंने एक मूवी की है, मेरी फर्स्ट मूवी थी बुढ़ा बिगड़ा जाए, वो हमने यूके में की थी, तो देन उनकी लास्ट मूवी थी वो बेचारी बहुत। अच्छा अभी आपने ना एक्टिंग की बात की और आपने कहा जी आप एक्टर बहुत अच्छी हैं, एक्टर्स तो फिर जरा मुझे अपना कोई फेवरेट डायलॉग सुनाइए जो कि आपने बहुत अच्छा अदा किया हो और उसके बाद आपको बहुत तारीफ सुनने को मिली।
डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं अभी जिस टाइम, तो कोई इतना वो अच्छा नहीं, क्योंकि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेती हूं, तो जरूर बता देती हूं मैं कौन सा एक अच्छा है। हां, लेकिन मूवी जिस पे बहुत ज्यादा पजीराई भी मिली हो और बहुत ज्यादा फैंस की तरफ से पसंद की गई हो। एक मेरी मूवी बूढ़ा बिगड़ा जाए थी, अच्छा, मैडम शमी मारा की, उसमें जान रैम्बो थे मेरे साथ, और इट्स वेरी नाइस मूवी, बहुत सबको पसंद आई। और उसके अलावा मैंने हॉलीवुड मूवी की थी प्रोवोक्ड, अच्छा जी, वो मैंने अमेरिका में, उसका हॉलीवुड में शूट हुआ था सारा, और लंदन में, उसमें ऐश्वर्या राय थी साथ में, और सब बहुत अच्छी कास्ट थी। अच्छा मेहरमा, आपका एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है जी माही वे, हाँ वो हम आपसे जरूर सुनना चाहें। हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है, हाँ जी, और उसका वीडियो भी मेरा रिलीज हो गया और बहुत पसंद किया जा रहा है, तो मेरा अपना। चलिए सुनाइए फिर हमें। जबरदस्त मेहरमा, कमाल कर दिया आपने, बहुत खूबसूरत। अच्छा इसमें जो है वो म्यूजिक थोड़ा शार्प था और एक अच्छी फील आ रही थी, लेकिन जो लिरिक्स थे वो उदासी वाले थे, परेशानी वाले थे, बड़ा खूबसूरत फ्यूजन था। या बस मैं कहती हूँ कि आप अगर उदास भी हैं तो थोड़ा सा अपने आप को, आपको वार्म अप करने चाहिए। और मेरे ज्यादातर गाने जो है मैं कम ही, एक दो मैशअप है जो मैंने किए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मेरी अपनी पहचान बने, मेरा अपना गाना है को लोग पहचाने। आई मीन बाहर बड़े अच्छे हैं सब सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं, और दूसरों को गानों को भी, मैं चाहती हूँ कि मेरे गाने को जो है ना ज्यादा पहचान मिले। अच्छा मैं मेहरमा आपसे जरूर मैडम जी का कोई भी ट्रैक सुनना चाहूंगी, हाँ, जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मेरा भी मैं आपको सुनाएंगे, बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। असल मेरा गला ठीक नहीं है, फ्लू बहुत ज्यादा हुआ है काम कर करके। प्यार ना लो प्यारे सजना,
प्यार नालों प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना प्यार नालों प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हारे सजना। वाजी वाह, बहुत खूब आपने जी मलिका जी का गाना भी बड़े खूबसूरत अंदाज में गाया। अच्छा मेहरमा, कितना जरूरी है लिरिक्स किसी भी ट्रैक के लिए, उसके बाद म्यूजिक कॉम्पोजिशन और तमाम चीजें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रैक को बेहतरीन बनाने के लिए, कितने जरूरी है? देखिए, हर चीज़ जब तक आपका आपके लिरिक्स नहीं अच्छे होंगे, फिर उसके ऊपर म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा, और फिर सिंगिंग और ये सब कुछ मिल के फिर एक चीज़ बनती है। जैसे हम कोई भी, मैं आपको एक बहुत इजीली मिसाल दूंगी जो मैं अक्सर देती हूँ, कि देखिए आप कोई भी खाना बनाते हैं उसमें सारे मसाले होते हैं, यू नो, आपने नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डालते, तो फिर कहीं जाके कोई अच्छी डिश बनती है आती है। इसी तरह लिरिक्स एंड म्यूज़िक और फिर उसको सही तरह से बनाना और उसका सही तरह से मिक्स करना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, गाने के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो लिरिक्स हो चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया मेहरमा, आपने अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाला, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुँचता है, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाना है मेहरमा का ट्रैक, और मेहरमा के ट्रैक के साथ ही आज के प्रोग्राम में फिल वक्त के लिए हमारी इतनी ही मुलाकात। कल सुबह इंशाल्लाह 9:05 पर हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सुनते हैं मेहरमा का ट्रैक दिल देना ते दिल लेना।